दस किलो गेहूँ देता है महीने में तो क्या होगा, कुछ नहीं हो। अरे जब बच्चे कमाएंगे नहीं खाएंगे नहीं फिर कहाँ जाएंगे। जब से केजरीवाल जेल में गया जब से रोज दो दो घंटे लाइट भाग रही है दिल्ली की। यस मैम, पानी नहीं आ रहा। अभी मेरे पे कुछ केस लग गया था। किस चीज का केस लग गया भाई? कुछ लग गया था बताऊंगा मैं। जैसे थाने में गया एक बंदा मेरे साथ का हिंदू का ही था, मुझे छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया और मुझे लगा दिया क्योंकि मेरा नाम समद है, मुस्लिम हूँ ना मैं इसलिए। महंगाई महंगाई है, काम नहीं है। काम नहीं है? काम बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी देख रहे हो सारे बेरोजगार है, किसी की कोई नौकरी नहीं। तो खड़े हम यहाँ पे बेरोजगार है। आम जनता को जा रहा है, गरीब आदमी को 60-70-80-100 रुपए किलो हो गई सब्जी, क्या खाएं। नाम क्या है आपका? कुमार पाल। यहीं के रहने वाले हैं? तो क्या लग रहा है विधानसभा के चुनाव जब होंगे दिल्ली में, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? भाजपा ने तो जीत लिया लोकसभा में दिल्ली में सातों की सातों सीट, विधानसभा में क्या होगा? अब देखो हम तो यूपी में रह रहे हैं पर कब क्या बताऊं मैं। यूपी के हैं आप? हाँ यूपी के हैं। अच्छा हाँ। तो यूपी में जो हाथरस जो हादसा हुआ उस पर क्या कहना है फिर? उसमें तो अखिलेश यादव साफ सीधा भाजपा पे निशाना साध रहे कि प्रशासन की कमी रही है। देखो ये तो राजनीति है, ये तो लोग बाग ये जो नेता हैं ये तो करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ये उस पर दोष ठोकना उस पर ठोकना। तो देखो ऐसा है जिसमें जैसे अब उसके अखिलेश की सरकार होती फिर बीजेपी वाले ठोकते। अच्छा हाँ। तो अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने कोई काम करा है? क्योंकि विपक्ष तो हमेशा से कहते हैं कि सिर्फ अमीरों के लिए काम करा है भाजपा ने। काम बढ़िया कर रहे हैं। क्या काम करा है? अपने जो फोर्स है बॉर्डर पे उनके लिए अपने इतना सला पैदा कर दिया कि आज 2 साल भी युद्ध हो गए फिर भी खत्म होने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के राज में क्या हुआ, कुछ हुआ है? क्यों कांग्रेस के राज में सेना के लिए कुछ नहीं था? सेना के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी? ना ना इतना तो नहीं था, पर अब ज्यादा है। अपने जो फौजी है ना बॉर्डर पे उनके लिए सुविधा बहुत बढ़िया बीजेपी के राज में। आपने नाम सुना होगा शिंदे गठन जो है, जो मिहिर नाम है, उन्होंने एक्सीडेंट करा है महाराष्ट्र में, ये दूसरी बार हुआ है। अब जल्दी समय नहीं है दोनों एक्सीडेंट में, दो तीन दिन पहले हुआ है ना। तो वो नेता के बेटे हैं लेकिन महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके लिए कानून सही रहेगा, सेम रहेगा, कानून सही बराबर होना चाहिए, चाहे किसी नेता का लड़का सही चाहे कोई सही, कानून सही होना चाहिए। लेकिन एक महिला की तो जान चली गई ना, उसका क्या? पति पत्नी दे 100 मीटर तक घसीटा है। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई नेता का लड़का सही चाहे कोई विधायक सही, सबका कानून एक बराबर होना चाहिए। आपका क्या नाम है? नाम राजवती है। अच्छा तो अभी जैसे सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, दूध के भी बढ़ गए हैं, कैसे चल रहा है फिर? सही नहीं चल रहा। क्या लगता है कौन सी सरकार बढ़िया कर रही है? तो मोदी ने तो लुटाई दिया सारे। मोदी जी ने लुटा दिया? सब लुटा दिया। तो क्या चाहती थी? अब ये काम धंधे नहीं चलेंगे तो क्या करेंगे? देखो काम धंधा जरूरी है। अब 10 किलो गेहूँ देता है, 10 किलो गेहूँ में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 10 किलो गेहूँ देता है महीने में तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे जब बच्चे कमाएंगे नहीं खाएंगे नहीं फिर कहाँ जाएंगे? रोजगार आप कहना चाह रही है कि नहीं है? रोजगार नहीं है कुछ भी, कमाई भी नहीं है ना रोजगार है। लेकिन अभी जो बजट पास होगा 23 को उसमें तो लिखा गया है कि युवाओं को रोजगार देंगे। अब दे दे जब ही तो हाथ में आए रोजगार। भाजपा कहती है, मतलब जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन वो कहता है कि भाजपा का जो भी काम है सिर्फ लिखित तक ही सीमित है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करती। कुछ ही नहीं है काम, क्या करे? क्यों काम है नहीं बच्चे? कांग्रेस के समय पे काम था, कांग्रेस के समय पे रोजगार था। तो जो था थोड़ा बहुत तो था, इतना अब नहीं है। अब तो दिन भर बच्चे कमाते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है। वो बोलते हैं जब विकास होगा तो थोड़ी महंगाई तो लगेगी, तो विकास नहीं हुआ अभी, कुछ नहीं हो रहा। आपकी नज़र में कुछ हुआ ही नहीं? हमें तो वैसे ही है, सारे काम धंधे बंद हो गए, बच्चे बेचारे भूखे मरने को आ रहे हैं, किराए पे रहते हैं है? किराए पे जो काम धंधा नहीं होगा तो इंसान कहाँ करेगा है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम भोले है। भोले, तो भोले जी क्या लग रहा है सब जिंदगी में? भोला सही चल रहा है? खूब बढ़िया। महंगाई लग रही है? महंगाई है, पहले नहीं थी क्या? देखो कांग्रेस के राज में 250 मिलते थे, आज 500 मिलते हैं। तो वही तो वो बोलती है भाजपा की, जब महंगाई अगर बढ़ी तो उस तरीके से इनकम भी तो बढ़ी है फिर। बिल्कुल बढ़ी है। तो जैसे महिला जो थी अभी उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हुआ। जैसे हम जो कहें हमारे पास रोजगार है, एक बात मान के चलो ठीक है,
अब तुम यूँ कहो कि हम घर पर पड़े पड़े हम खाते रहें, बाहर निकल के नहीं जाएं, एक बात मान के चलो, तो कहाँ से आएगा पैसा? तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, दिल्ली में 7 संसदीय क्षेत्र थे, आम आदमी पार्टी में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि 7 में से एक भी सीट नहीं आई? हो सकता है उन्हें थोड़ी गड़बड़ की होगी। जैसे गड़बड़? क्या गड़बड़? देखो पानी फ्री, ठीक है, बस सेवा फ्री। अब जब सरकार को पैसा नहीं जाएगा तो क्या होगा इसका? बिजली फ्री, तो भाजपा फ्री की रेवड़ी बांट रही है क्या? और आप भाजपा बोलते फ्री की रेवड़ी है ये तो खाना में केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बांटी थी। अभी वो जेल में, तो कहीं नहीं हुआ जो यहाँ हुआ। अभी तो वो जैसे जेल में है, लेकिन वो साफ सीधा भाजपा पे निशाना साधते हैं, ईडी पे भी निशाना साधते हैं कि कोई सबूत नहीं है, खामखा तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप, इस वजह से मुझे जेल में रखा हुआ है। देखो सारी संस्थाएं भाजपा ने खरीद ही रखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी गलत बात है जो किसी पे इल्जाम लगाना, जो तुमने किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। चरार नीति घोटाले में वो अंदर है, सही है। ये गलत है ना, एक बार तो एक पे तुम 3 फ्री दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आगे सरकार को पैसा नहीं जा रहा तो तुम घोटाला तो कर रहे हो ना ये। लेकिन वो कहते हैं उसके हमें और भी तो काम कराए, पानी, बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल बनवा दिए। देखो केजरीवाल ने करा, अच्छा किया, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करा। अब ये जनता कानों में इतनी प्यासी मर रही है, क्यों मर रही है, ये किसके कारण मर रही है? हरियाणा पानी नहीं दे रहा, आतिश जी बोल रही है इसलिए मर रही है। आधे से ज्यादा पानी दिल्ली में हरियाणा से आता है, उन्होंने साफ सीधा बोला हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। ये यहाँ के नहीं, ये है यहाँ के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनस नंबरदार। राहुल गांधी जी जो हैं वो ये हमेशा सवाल उठाते हैं, पलटवार करते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा के पास, गरीबी, रोजगार और महंगाई को लेकर कोई बात नहीं करती है। महंगाई है? महंगाई तो जी बहुत है जी, महंगाई है, काम नहीं है। काम नहीं है? काम बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी देख रहे हो सारे बेरोजगार है, किसी की कोई नौकरी तो नहीं। खड़े हैं हम यहाँ पे बेरोजगार हैं, जब भी तो खड़े हैं बेरोजगार हैं हम। ये जितने भी है किसी की भी नौकरी नहीं है, कि इससे बोलो समझदार आदमी। शाम को वापसी आ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। मैम सुबह को काम पे निकलते हैं, बेलदारी पे भी निकलते हैं, बेलदारी तक की नहीं मिलती, रोजी बिल्कुल ही खत्म है। बिहारियों ने मैम काम पीट दिया सारा, जो काम 700 रुपए का 300 रुपए में कर देते हैं वो, तो हमें काम ही नहीं मिलता। नहीं मिलता है? नो मैम। मतलब आपका काम छीन लेते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? जो बाहर के बंदे आ गए यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे आपसे बात करें इतने में तो आगे लिपट जाएंगे, मैं चलूंगा। ये बुरा हाल हो रहा है। मतलब मैं चलूंगा, मतलब मैं समझी नहीं कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे आपको बुलाना है। अच्छा, अब बिहारी 7-8 खड़े हैं और ये यहाँ पे ये खड़े हैं, तो बिहारी सारे भाग जाएंगे। बात कर रहे हो तो इतने में ये आएगा, मैं 200 में ही चल रहा हूँ, मेरी 300 में बात हो रही है, मैं 200 में ही चल रहा हूँ। 200 में आदमी क्या कर लेगा? 200 रुपए में अपने बच्चों को पाल ले या कुछ खा ले। कांग्रेस के समय पे कुछ सही था, हाथ में पैसा बचता था, अच्छा था, रोजी रोटी अच्छी चल रही थी। आज के टाइम में आलू ले लो 40 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए किलो। मैम 200 रुपए लाएंगे, खाना खा लेंगे, आगे को हरी बीमारी, बच्चे भी हैं। जब से केजरीवाल जेल में गया, जब से रोज 2-2 घंटे लाइट भाग रही है दिल्ली की, पानी नहीं आ रहा, 2-2, 3-3 घंटे लाइट भाग रही है। अमीर हो रहा और गरीब को हटाओ, गरीब को आइए इधर आइएगा, आगे मुल्ला जी को बुलाओ जी। आओ भी आओ। क्या नाम? ये कह देंगे तो विवाद हो जाएगा। क्या नाम? नाम रफीक। क्या लग रहा है, महंगाई बढ़ गई है यहाँ पे? सब बोल रहे महंगाई काफी हो गई है। काफी हो गई है मैम, काफी महंगाई है मैम, महंगाई काफी हो गई है। अच्छा, पहले कुछ कांग्रेस के समय हाथ में बचता था जी, कांग्रेस के समय पे जब कमाते थे तो हाथ में कितना पैसा बचता था, और अब कितना बचता है? मतलब ये है उस टाइम जो है अच्छा बच जाता था, अब इतनी मजदूरी नहीं हो पा रही है, मजदूरी बहुत कम है। भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है क्या जी? लेकिन वो तो बोलती है हम तो सारे धर्म सारे मजहब को एक लेके चलते हैं। जी कराती है, मतलब कैसे? आपको क्या लगता है कि क्या करा रही है जो आपको दिल में छुपता हो? विवाद नहीं होना चाहिए सरकार बनाने आई कोई चीज, सुनो आम जनता कोई आराम है? गरीब आदमी को 60-70-80-100 रुपए किलो हो गई सब्जी, क्या खाए गरीब आदमी? मजदूरी आमदनी बड़ी ना, क्या खाए?
भूखे मरे सड़ी तुरंगे 100 रुपए दे रहा है, 80 दे रहा है। बताओ मुझे बैगन देखो कितने को दे रहा है, क्या सब्जी खाएंगे हम हैं, जिसके बच्चे हैं चाचा बेटियां हैं घर में कमाने वाले ना, रोजी रिदक तो उसमें कमाने में मजदूरी बढ़ना रही है, और करवा भी नहीं तो पैसे ना दे रहा है। मुझे बताओ तो गरीब आदमी कहाँ से खाए, भूखे मरेगा। कार्ड नहीं बन रहा, 2 साल हो गए, कभी कुछ मांग रहे कभी कुछ मांग रहे, राशन कार्ड नहीं है इनका, बताओ अब कहाँ से करें। 3 लाख रुपए लग गया मजदूरी, काला काम कर करके पूछो इन बच्चों से, और ये भी ना कि हमें सहारा हो पैन कार्ड, अब उसके साथ बुलाओ सर्टिफिकेट के, उसके बोलाओ कहीं तो पैदा हुआ। अरे भैया एक पहले गांव में पैदा हुआ, ऐसे बिहारी बिहारी कैसे, सब देश के ही तो हैं, गांव में पैदा हुआ, गांव से हम चले आए, शादी हो गई जल्दी चले आए, बच्चे यहाँ पले यहाँ बड़े, हमने बहुत कहीं उनसे आधार कार्ड उन्होंने बनवाना, हमारा सब पूरा। मैं नाम क्या है आपका? नगीना। नगीना हाँ, अच्छा बनेगा, बन जाएगा, कुछ मदद होएगी, बनेगा मैडम। क्राइम खत्म करवाओ ना, क्राइम बहुत हो रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हो, ठीक है हैं, क्राइम खत्म करो, आए दिन मर्डर हो रहा दिल्ली में, बताओ। नाम क्या है? समद। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कराती है भाजपा? यस मैम। कैसे लगता है, क्या कराती है, क्या बोलती है, ऐसा क्या टिप्पणी वाले होते हैं, हर जगह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कोई नहीं पकड़ता झुंड, हमारे यहाँ पे भी आर चीज वाले यहाँ पे 4-5 लड़कों में बजा के गए, बताओ। अभी ये बीजेपी है यही तो सपोर्ट कर रही है इन्हें, आपने कहीं देखा कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है, कोई प्रूफ है? मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे पे कुछ केस लग गया था। किस चीज का केस लग गया भाई? कुछ लग गया था बताऊँगा मैं, जैसे थाने में गया, एक बंदा मेरे साथ का हिंदू का ही था, मुझे छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया और मुझे लगा दिया, क्योंकि मेरा नाम समद है, मुस्लिम हूँ ना मैम, इसलिए। मैम देखो हम यहाँ पे सारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सारे आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो आरएसएस वाले हैं ना, ये हमें झगड़ा कराना चाहते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है, बीजेपी को हमने भी वोट दिया 5-6 साल पहले, अभी जब बीजेपी आई थी पहले पहले हमने भी वोट 2014 में आई थी एक बार, जब दिया था मैम वोट, 2019 में भी आई, नोटबंदी कर दी मैम, कान खराब कर दिया सारा सिस्टम उन्होंने नोटबंदी करके। भाई नोटबंदी कर दी, अब 2000 के नोट बंद कर दिए। नोटबंदी किस लिए करी थी पता है? मैम हमें तो नहीं पता, नोटबंदी किस लिए करी ब्लैक मनी किस लिए करी थी? नोटबंदी इसलिए कराई की क्योंकि जो करप्शन है ना उसको खत्म करने के लिए। करप्शन खत्म हुआ? खत्म हुआ है, करप्शन खत्म हुआ था, नोटबंदी जो लगाई। हाँ खत्म हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ हुआ सही, नोटबंदी लगाना सही था, सहमत थे? हाँ। वो तो कह रहे नहीं मैम, उनसे पूछो ना रीजन क्या है, रीजन पूछो ना रीजन। हमारे यहाँ पे 1000-1000 रुपए मिल रहे थे नोटबंदी में लाइन में लगने के लिए, अब बताओ तुम, यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा लेके चुंगी तक लाइन थी, हमने पता है मैम कैसे पैसे भरे, और 10-20 हजार रुपए से बैंक वाले ज्यादा ले नहीं रहे, अब बताओ कहाँ डाले सारा पैसा हम, इतना पैसा जो कमाया हमने मेहनत से उस पैसे को कैसे डाल दें, इतनी में लंबी लाइन है, इतने में तो नोटबंदी हो जाएगी जितने में नंबर आएगा। ये बताओ कितना कितने दिन का टाइम मिला था आपको? दिन का टाइम मिला था 3 दिन पहले, न्यूज पे बोल दी थी उन्होंने। भाई साहब ये तो दिक्कत है सबकी, चलो भाई मैं भाई से पूछना चाह रहा हूँ कितने दिन का टाइम मिला, तो वो पता करना चाहिए ना, ये मतलब 60 दिन का मिला था, 72 दिन का मिला था, इनको पता तो होना चाहिए इस चीज का। जो कर रही है बीजेपी वाले जो आए हैं, कांग्रेस का टाइम में ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था? जो ये महंगाई इतनी बढ़ गई थी, ऐसा सिस्टम नहीं था। तो वो तो बोलते विकास हुआ है, अगर कमाई बढ़ेगी विकास होगा तो महंगाई तो थोड़ी लगेगी ना। महंगाई बढ़ रही, मेहमान तो मेहमान, अगर महंगाई बढ़ रही है सामानों में बढ़ रही है ना, दिहाड़ी पे तो नहीं लग रहा है, दिहाड़ी तो भर ही नहीं रही है, लेबर तो वहीं के वहीं है, आज भी 400-500 में काम कर रहे हैं, पहले तो अगर चलो महंगाई बढ़ा भी दिया तो लेबर का भी तो बढ़ाए, जो कारखाने में लेबर काम करते 8000-9000 में, उसके भी तो कुछ करवाए अपने इंसान, ये थोड़ी है बताओ, 12 घंटा ड्यूटी करते 8000-9000 मिलते हैं, 6000 रुपये मिलते हैं, उसके भी कुछ करवाओ। अभी ये बात बताइए कि जो विपक्ष है राहुल गांधी, वो बोलते हैं कि मोदी जी की छवि गिरती जा रही है, मोदी जी की छवि गिर रही है क्या? देखो मैम थोड़ी सी छवि गिर गई है, मगर इतनी नहीं गिर गई। उन्होंने बोला कि छवि गिर गई है,
जिस तरीके से वो अयोध्या से आ रहे वैसे ही उनका हश्र हम गुजरात में भी कराएंगे। देखो गुजरात से भी वो हारेंगे, ये तो सब समय समय की बात है, ठीक है ना। गुजरात उनका किसी ने लिया और ना कोई ले पाया। गुजरात से राहुल गांधी का कहना है जिस तरीके से हश्र भाजपा का अयोध्या में हुआ है, जिस तरीके से वो बुरी तरीके से हारी वैसे ही हम उनका वहाँ हराएंगे गुजरात में। छवि बिल्कुल खत्म हो गई है मोदी जी की, वाराणसी से एकदम उनका दम दबा के भागे हैं मोदी जी, ये बोला है। मैडम बोलने को कुछ ही बोल दो, मैडम जी कुछ ही बोल दो बोलने के लिए तो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई कर रही है बीजेपी, आपको बताऊं सही। सच्चाई मतलब सच क्या सच्चाई कर रही है, क्या काम करा है? लाल किला गिरवी रख दिया, सच्चाई कर रही है। पूछो पूछ क्या मोदी जी से किसको रखा, तुम बताओ ना, तुम बोलना गिरवी रखा तो पता भी तो होना चाहिए किसको रखा। आर्मी वालों को रखा, बताओ ना किसको गिरवी रखा है? सहमत है कि भाजपा कभी बेरोजगारी महंगाई पे बात करती है? लगता है मतलब युवाओं को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही, सब बेरोजगार है। लेकिन वो तो कहते हैं जो पढ़ा लिखा है उसके लिए नौकरी है, आप जिसको नहीं पढ़ा ना है वो कहाँ से नौकरी लेगा? यहाँ तो पढ़े लिखे को भी नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ की जनता जो ने जो अपनी राय दी है, अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे आप सहमत है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी का सबके साथ।